हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और आप सभी के एमटी में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं एयरटेल के फ्री इंटरनेट के बारे में। इस एप्लीकेशन द्वारा आप फ्री में इंटरनेट चला सकते हैं। मैं वीडियो पूरी तरह कोशिश करूंगा कि ये छोटी से छोटी वीडियो बने, फिर भी आपको बड़े आराम से समझाना, इसलिए वीडियो लंबी हो सकती है। तो देख लीजिए, मेरा एयरटेल का यहाँ पर सिम लगा हुआ और डाटा भी ऑन है। बहुत लोग बोलते हैं कि आपका डाटा ऑन है इसलिए आप इंटरनेट चला पाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा, देख लीजिए, डाटा तो ऑन है लेकिन मेरा इंटरनेट नहीं चला है यहाँ पर। चलिए मैं आपको कोई सा भी कुछ भी सर्च कर दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो भी VPN आप ट्रिक यूज करेंगे तो आपको सबसे पहले अपना डाटा ऑन कर लेना है। बिना डाटा ऑन की आप VPN ट्रिक यूज कर ही नहीं सकते हैं, तो इसीलिए मुझे डाटा ऑन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, मैं कुछ भी सर्च कर ले रहा हूँ लेकिन यहाँ पर नो इंटरनेट एक्सेस आ रहा है। आपको भी डाटा ऑन अपनी कर लेनी है लेकिन जीरो बैलेंस रहे, ये भी याद रखना है आपका, वरना आपका बैलेंस जी कट सकता है। तो आपका जीरो बैलेंस होना चाहिए, डाटा कोई सा नहीं होना चाहिए और फिर आपको डाटा ऑन रखनी है। और इस एप्लीकेशन को आप डिस्क्रिप्शन लिंक जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं जैसे जैसे आपको सेटिंग बता रहा हूँ आप वैसे ही कर लीजिएगा। ये कोई हार्ड सेटिंग नहीं है, मैं अक्सर हर एक वीडियो में बताता हूँ सेटिंग कि इसमें थोड़ी सी अलग सेटिंग है। तो चलिए इस एप्लीकेशन को ओपन करेगा कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पर पिक्सेल पर क्लिक कर लेना है, फिर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको हैंडलर का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसी पर आपको क्लिक कर देना है। ये क्लिक करते ही आपको कुछ सेटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर इसी सेटिंग से आप फ्री में इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो सेटिंग जैसे है ऊपर की वैसे रख देनी है और थोड़े से हमें नीचे आ जाना है। यहाँ पर प्रॉक्सी टाइप आपको जो दिख रहा है रियल होस्ट, उसी भी वैसे ही रहने देना है। बहुत एप्लीकेशन में नहीं होता है ये, इसमें ऑटोमेटिक ये दिया हुआ है, अच्छी बात है। ये सब जैसा है वैसे रहने देना है। और ये जो मेन होता है कस्टम हेडर और प्रॉक्सी सर्वर, वो मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या करना है। तो यहाँ कस्टम हेडर में आपको टाइप कर लेना है MO ये वाला डबल डॉट, फिर विंक WING विंक डॉट एयरटेल डॉट, सॉरी कैपिटल ए नहीं रहेगा इसमें, ये ऑटो करेक्शन की वजह से हो गया, इसके लिए सॉरी, कैपिटल नहीं रखना है ना ही कोई स्पेस, आपको रख लेना है एयरटेल डॉट इन। और यहाँ पर फिर प्रॉक्सी सर्वर में हम लोग आ जाएंगे। ये हो गया हमारा कस्टम हेडर, ये मेन होता है और प्रॉक्सी सर्वर भी बहुत ही ज़्यादा मेन होता है। तो चलिए मैं बता दूँगा आपको प्रॉक्सी सर्वर में क्या रखना है। प्रॉक्सी सर्वर ऐसे कई टाइप के होते हैं लेकिन मैं आपको इस प्रॉक्सी सर्वर, इस एप्लीकेशन पे जो प्रॉक्सी सर्वर वर्क करता है, मैं उसी एप्लीकेशन सर्वर के बारे में बताने वाला हूँ। ये है 5541airtel.in। ये थोड़ा सा अजीब आपको लग रहा होगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आपने प्रोसेस सर्वर देखा होगा, लेकिन ये प्रोसेस सर्वर इस पर बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है इस एप्लीकेशन पे। ऐसे ही मैं बता दूं कि ये प्रोसेस सर्वर इससे मिलता जुलता जो होता है, प्रोसेस सर्वर 56789, इसे भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन 56789 इस पर इतनी अच्छी से वर्क नहीं करता जो 55421 वर्क करता है। और भी बहुत सारे प्रोसेस सर्वर होते हैं जो वर्क कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला वर्क करता है जो मैं आपको बता दूँ। और यहाँ पर आपको रख लेना है HTTP, ये जो आपको दिख रहा है HTTP वही आपको रख लेना है यहाँ पर। और उसके बाद आपको एकदम से नीचे आ जाना है, रियल प्रॉक्सी टाइप में आपको HTTP रखना है, उसके बाद आ जाना है रियल प्रॉक्सी सर्वर में। यहाँ पर आपको रख लेना है airtellive.in, देख लीजिए airtellive.in। आपको नहीं कैपिटल रखना है ना ही स्पेस देना है, सॉरी गड़बड़ हो गया, देखिए ऑटो करेक्शन की वजह से, इसके लिए फिर से एडिट कर दूँ। airtellive.in आपको रख लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यार, बहुत लोग वीडियो में अपलोड करता तुरंत ही वहाँ पर जाकर लिख देते हैं कमेंट में फेक। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ यार, इतनी जल्दी से ये वीडियो करेक्ट और रियल प्रॉक्सी पोर्ट में आपको 80 रख लेना है। तो मैं बता दूँ कि ये VPN कभी भी इतनी जल्दी से करेक्ट नहीं हो पाता है, इसके लिए आपको 10 से 5 मिनट का वेट करना पड़ता है। आप लोग इतनी जल्दी से कैसे कमेंट करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता आपको इतना कम समय लगता है नहीं, किसी भी VPN को कनेक्ट करने में 5 से 10 मिनट लग ही जाता है अगर आप फर्स्ट टाइम कनेक्ट करते हैं। सेव कर लिया मैंने, अब कनेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर मैं कनेक्ट कर दूंगा। तो चलिए मैंने कनेक्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, मुझे अब वेट करना पड़ेगा। देखिए मैं सेकेंड टाइम कनेक्ट कर रहा हूँ फिर भी मुझे वेट करना पड़ेगा। मैं नोटिफिकेशन आपको दिखा दूँ, यहाँ पर भी कनेक्टिंग हो रहा है, जब यहाँ पर कनेक्टेड लिख देगा तब हो जाएगा कनेक्ट हो रहा है। देखिए ऊपर थोड़ा पकड़ रहा है फिर छोड़ दे रहा है। तो मैं बता दूँ यार, देखिए मैं सेकेंड टाइम कनेक्ट करा रहा हूँ फिर भी मेरा इतना टाइम लग रहा है। आप लोग जब फर्स्ट टाइम कनेक्ट कराते तो आपको इतना कम समय में, आप लोग यहाँ पर यार वीडियो में फेक लिख कर चले जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता आप लोग कैसे कोशिश क्या करते हैं आप लोग ऐसे, या फिर बिना कोशिश किए आप लोग फेक लिख देते हैं। यार प्लीज़ एक बार ट्राई तो करिए आप लोग, यदि नहीं चलता है फिर आकर फेक लिखिए, वीडियो को डिसलाइक करिए, रीज़न बताइए, कुछ भी करिए, लेकिन फर्स्ट टाइम एक बार आप ट्राई जरूर करिएगा। तो मैं तो अक्सर कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने अपना VPN ऐसे ऑन कर मैं छोड़ देता हूँ, कुछ देर बाद आकर चेक करता हूँ, 10 से 15 मिनट 20 मिनट बाद अगर मेरा कनेक्ट हो जाता है तो मैं यूज़ करने लगता हूँ।
तो आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी देखिए कनेक्टिंग ही हो रहा है, अभी मेरा कनेक्ट नहीं हुआ है। देखिए अब धीरे धीरे यहाँ पर ये जो आने लगा है एरो टाइप का, ऊपर आपको दिख रहा होगा जो ट्रिक्स लिखा है उसके ऊपर जो आ रहे हैं सब, ये ग्राफिक टाइप के ये जो दिख रहे हैं, इसका मतलब ये कनेक्ट हो रहा है। बस अब कनेक्ट हो ही चला, ये कनेक्ट हो गया है, ऊपर की आ गया। देखिए अभी ऊपर की आ गया है, अब ये कनेक्ट हो गया। मैं वापस से इसी क्रोम ब्राउज़र में जाता हूँ जहाँ ये आ गया, एक मिनट हटा दी से। वापस मैं उसी क्रोम ब्राउज़र में जाता हूँ जहाँ पर मुझे नो इंटरनेट का एक्सेस आ रहा था, लेकिन मैं यहाँ पर वापस से आपको रिफ्रेश, देखिए यहाँ पर ये कनेक्ट हो चुका है। अब तो मैं यहाँ पर वापस इसे रिफ्रेश करता हूँ और यहीं पर चला कर मैं दिखाता हूँ जिसे मैंने छोड़कर मैं अभी भी गया था। तो देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क अभी स्लो है, जितना टाइम लेता है ये, धीरे धीरे जितना टाइम लेगा उतना तेज़ स्पीड इसका तेज़ होता जाएगा इस वीपीएन का। देखिए यहाँ पर ओपन हो चुका है, अभी इसके पहले नहीं ओपन हो रहा था लेकिन यहाँ पर ओपन हो चुका है सिर्फ एक सेटिंग की वजह से। तो आप इस एप्लीकेशन को ट्राई करिएगा और बड़े अच्छे से इसे यार थोड़ा वेट करिएगा, फिर नहीं कनेक्ट कर रहा तो आप जाकर कमेंट में फेक लिखिए या फिर कुछ भी लिखकर आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन पहले एक बार ट्राई तो जरूर करेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको आपके पास कोई भी सवाल है सुझाव हो तो नीचे कमेंट में जरूर करेगा। अगर मेरे चैनल की वीडियो आपको पसंद आ रहे तो चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलेगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।